हेलो जी नमस्कार, मैं हूँ होम शेफ डीपी। हमारे चैनल डीपीस किचन वेज एंड वीगन में आप सबका दिल से स्वागत है। हमारे आज के एपिसोड में स्ट्रीट फूड होम स्टाइल चाट में हम बना रहे हैं वड़ा पाव, मुंबई का वड़ा पाव, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ में हम बनाएंगे आज उल्टा वड़ा पाव। तो चलिए बनाते हैं। आज हम बनाएंगे उल्टा वड़ा पाव, जिसके लिए हमने लिया है आलू का मसाला। उसके इक्वल पोर्शन लेकर एक बड़ी सी पेटी बना दी है। अब इसमें हम ब्रेड के सर्कल्स स्टफ करेंगे। उल्टा वड़ा पाव बनाने के लिए हमने 4 वाइट ब्रेड की स्लाइस ली है, जिसको कटर से बीच में सर्कल काट लिया है। अगर कटर ना हो तो कोई कटोरी से भी काटा जा सकता है। उसी के साथ में हमने लहसुन की चटनी और ग्रीन चटनी ली है, जिसे हम ब्रेड के सर्कल को आगे पीछे लगाएंगे एक एक चटनी, और बाद में आलू के मसाले में स्टफ करके वड़ा बना के बेसन के घोल में डुबो के डीप फ्राई करेंगे। एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, उसकी एक तरफ हम लहसुन की चटनी लगाएंगे, अच्छे से लगानी है। बाद में इसे आलू के मसाले में ऐसे उल्टी रखेंगे और बाद में ग्रीन चटनी लगाएंगे। और इसे आहिस्ता आहिस्ता दबा दबा के उसको फोल्ड करके पूरा आलू का मसाला ऊपर तक लाएंगे, नीचे से दबा के ऊपर तक, और उसका एक वड़ा बना लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। एक बार हाथ बैठ जाता है तो फिर वड़ा बनाने में तकलीफ नहीं होती, फटाफट हो जाता है। पूरा ढक देना है, नीचे से थोड़ा दबाएंगे तो वो आलू ऊपर आ जाएगा और वो कवर होता जाएगा। ऐसे हमें सभी वड़े बनाने हैं। देखिए कितनी आसानी से हो गया। और उसे दबा के ऐसे पेटी बनानी है, गोल वड़ा नहीं बनाना है, पेटी की जैसे ही बनाना है। ऐसे हम सारे वड़े बना लेंगे। हमारे उल्टा वड़ा पाव की चारों पैटी रेडी है। अब हम इसे बेसन के घोल में डुबोकर डीप फ्राई करेंगे मीडियम आंच के ऊपर। तो चलिए किचन में जाते हैं। हमने तेल गरम करने रख दिया है। अब हम इसमें हमारे जो उल्टा वड़ा पाव बना है उसको बेसन के घोल में मिला के तल लेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। पलट लेंगे। पलट लेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। जैसे पक गया है देख लेते हैं, इधर और भी थोड़ा पकाना है। देख लेते हैं हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं।
हमने दूसरा वड़ा भी डाल दिया है। ऊपर ऐसे तेल डालना है, घुमा लेंगे। बहुत बढ़िया सिक रहा है। इस तरफ सीखना बाकी है, देख लेते हैं। अच्छे से सीख गया है, इसे निकाल लेते हैं और बाकी के दो भी हम इसी तरह तल लेंगे। हमारा उल्टा वड़ा पाव हमने सर्व किया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। हमने लाल लहसुन की पाउडर की चटनी के साथ और तली हुई मिर्ची के साथ में सर्व किया है। उल्टा वड़ा पाव पूरा ही उल्टा वड़ा पाव बनता है, मतलब है कि जो ओरिजिनल वड़ा पाव में पाव के अंदर वड़ा डालते हैं, यहाँ पे हमने वड़ा के अंदर पाव डाला है। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उल्टा वड़ा पाव की डिटेल में इंग्रेडिएंट्स और प्रोसीजर दिया है, उसी के साथ में मुंबई वड़ा पाव की लिंक भी दी है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी, और उसी के साथ में हरी चटनी की भी लिंक दी है, जिसकी लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, और लाल लहसुन की चटनी की भी लिंक दी है, जिसकी भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में जरूर मिल जाएगी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल सजेशंस लिखिएगा, अपने ओपिनियन भी लिखिएगा और बताइएगा आपको ये उल्टा वड़ा पाव कैसा लगा। हमारे एपिसोड देखकर हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमारी चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिएगा, उसी के साथ में बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। हमारे एपिसोड संडे और थर्सडे को दोपहर को 2 बजे अपलोड होते हैं। हमारे फेस्टिवल स्पेशल के एपिसोड सुबह 10 बजे अपलोड होते हैं। जरूर देखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, सुखी रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।